हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं ब्लर दिख रहा हूँ क्या यार? ऑटो फोकस। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं यार एक बहुत अच्छी सी लोकेशन पे आया हूँ। यहाँ पे कैंपिंग वगैरह होती रहती है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ब्लॉग और दिखाते हैं आपको कैंपिंग। अपना पहले अपना टेंट लगा लेते हैं। तो अभी मैं इसको इस साइड से गैस कैन को लगा देता हूँ, तो ये बहुत इजीली लग गया है। तो अभी अपना थोड़ा अनियन वगैरह मैं चॉप कर लेता हूँ। चॉप तो क्या ही होगा, तो ये अनियन मुझे लगता है हाफ काफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ क्यों फेंक रहा हूँ ना, ये सारा कचरा यहाँ साइड में। कि तड़का लगा के खाने का जो मज़ा है ना, तो वो बॉईल करके नहीं आ गया मज़ा, क्योंकि पानी डाल दिया उसके बाद फिर मैगी डाल दी तो वो टेस्ट नहीं आता है। तो मैं मतलब मैंने पहले भी बनाई है घर पे, तो काफ़ी अच्छी मैगी बना लेता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, से इतना ऑयल काफ़ी होगा, ज़्यादा डाल दिया। चलो कोई बात नहीं यार, मुझे कौन सा ज़्यादा खाना बनाना आता है यार। तो बारिश तो स्टार्ट होगी है, मैं इसको अंदर का रख लेता हूँ पहले। तो ये ऑन हो गया है, तो मैं रख देता हूँ, तो ये ज़्यादा गर्म ना हो टेंट, थोड़ा पास में ही रखता हूँ। और इसमें मैं डालूंगा अनियन, ये 2 मिनट में कैसे बन सकती है? अगर हम बॉईल करके भी बनाते हैं ना, तब भी 4 से 5 मिनट तो लगते हैं, और अगर ये ऐसा अनियन वगैरह डाल के तो 7-8 मिनट 10 मिनट तो लगते हैं। 3 मिनट तो मुझे ही हो गए बनाते हुए, 3 से 4 मिनट। पता नहीं नेस्ले वाले कैसे बना लेते हैं 2 मिनट में मेरी मैगी, तो मेरी तो नहीं बन रही 2 मिनट में। हाँ यार, बहुत मज़ा आ रहा है वैसे यार, इतना अच्छा व्यू है ना बाहर का, ये देखो। और ऊपर तो भाई बादल तो बहुत काले हो चुके हैं, बारिश कभी भी हो सकती है। तो आज सच बोलूँ तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। पहले होती थी दिक्कत जब टेंट नहीं होता था, अब तो हर चीज़ है। मैं एक चीज़ और बनाने वाला हूँ, तो देखते रहो भाई और क्या बनने वाला है। अब तो अभी अपनी जो है मैगी रेडी हो गई है, लेकिन मैं अभी खाऊंगा नहीं। तो अभी जो नेक्स्ट चीज़ जो मैंने बनानी है वो मैं बना लेता हूँ। तो इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा मैं पानी डाल लेता हूँ ताकि ये एक
बार कैंपिंग में तो ऐसे चलता है, तो ऑन करते हैं। बहुत इजी है ऑन करना। तो अभी ये गर्म हो गया है पैन, अभी मैं इसमें थोड़ा सा बटर डालूंगा। चल भाई, चलो भाई, बस मुझे तोड़ने नहीं आता अच्छे से। तो भाई अपनी मैगी रेडी हो गई, और यहाँ पे अपना एग ऑमलेट। अरे मैं बटर को यहाँ क्यों रख रहा हूँ, ये तो ख़राब हो जाएगा ऐसे। जो भी बन गया वो अच्छा है, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है भाई यहाँ पे आके। जो बन गया वो खा लो। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ रखूँगा, और ये तो अभी गर्म लग रहा है मुझे। तो भैया ये एग ऑमलेट तो मुझे नहीं पता क्या बन गया ये। चलो जो भी अच्छा है। पहले क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा, इसमें मिक्स कर देता हूँ, मज़ा आएगा। मैं थोड़ा सा क्या बना है, वैसे मैंने मिक्स कर दिया दोनों, एग ऑमलेट भी टेस्ट करके देखते हैं। एक नंबर, मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, मैं इतनी अच्छी मैगी और ऑमलेट बनाया मैंने। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही एग बनाया था। बहुत मज़ा आ रहा है, और टेस्ट काफ़ी अच्छा है। मैगी में यार ज़्यादा कुछ ऐड करने का वैसे ज़रूरत नहीं रहती मैगी में, लेकिन जब वो मसाले वाली बॉईल करके बनाते हैं ना, उसमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। लेकिन जब जब अनियन वगैरह टमाटोज़ वगैरह डाल के बनाते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त बनती है, और ये तो अमेजिंग, मज़ा आ गया। और वैसे भी टेंट लगा के और सामने पहाड़ है, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। इतना मज़ा मुझे घर पे भी नहीं आता। घर पे वैसे मैं कम मैगी खाता हूँ। कैंपिंग लोकेशन है वैसे, यहाँ पे तिब्बतियन वगैरह आते हैं, वो कैंपिंग करते हैं पूरे इस होल एरिया में। यार अपना पालमपुर से मैंजा रोड के पास, तो ये कैंपिंग साइट है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग आते थे तिब्बतियन वगैरह, तो यहाँ पे नाइट स्टे भी करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये लोकेशन अच्छी है, अगर आप फैमिली वगैरह के साथ आना चाहते हो तो यहाँ पे कैंपिंग करो। पालमपुर आते हो, उसके बाद मैंजा रोड के पास आप आगे ये ग्राउंड मिलता है, यहाँ पे साइड में आप यहाँ बुल के पास पहुँचते हो, बुदामल कैसल जो है उसके आगे आने पड़ता है नीचे, और वहाँ पे एक ब्रिज है, ब्रिज से एक अंदर की तरफ को आप वहाँ पे पूछ सकते हो किसी को भी। ये ग्राउंड पिकनिक स्पॉट है ये, तो यहाँ पे काफ़ी लोग कैंपिंग भी करते हैं, और स्कूल ट्रिप वगैरह भी यहाँ पे आते हैं जो बाहर से आते हैं। तो हमने काफ़ी पहले हम क्रिकेट खेलने आते थे, तब हम देखते थे यहाँ पे जब लोग कैंपिंग करते थे और हम क्रिकेट खेलने आ रहे होते थे, तो हम क्रिकेट वगैरह भी खेलते थे, हम डिस्टर्ब कर देते थे उनको। लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छी जगह है यार, बहुत मज़ा आया। वैसे बहुत टाइम बाद मैगी खाई, ऐसी बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे यार क्या मैगी खा के मज़ा आ रहा है, लेकिन नहीं यार, बहुत मज़ा आ रहा है टेंट लगा के। बहुत टाइम से मेरी डिज़ायर थी कि हाँ भाई चलेंगे पहाड़ों की तरफ। ये था आज का ब्लॉग, और इस लोकेशन को यार बाय बाय करने का टाइम आ गया,
क्योंकि मैंने मैगी खानी थी और टेंट लगा के मैंने मतलब फील करना था भी एक्चुअल में कैसा लगता है। काफ़ी लोगों को मैं देखता था तो बस वो चीज़ थी, और मतलब मुझे भी एक्सपीरियंस करना था तो मेरे पास सारा सेटअप था। तो मैंने सोचा कि उन्हें एक ब्लॉग भी हो जाए और साथ में भाई मैगी भी खाते हैं कैसा लगता है। घर पे तो मैगी सभी खाते हैं लेकिन हसीन वादियों के बीच में तो कोई कोई खाता है, देख सकते हैं। अब तो चलो गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और यार नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।